हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप लोग? तो मैं लेके आया हूं आप लोगों के लिए 12th क्लास साइकोलॉजी यानी मनोविज्ञान का चैप्टर 1 का पार्ट 2। तो आप हम लोगों ने पार्ट 1 कंप्लीट कर लिया है, जिस पे हम लोगों ने यानी जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर थे उसको कवर किया था। तो इस पार्ट में भी हम लोग यानी जो बाकी रह गया था उसको कवर करेंगे। तो आपको क्लास को लास्ट तक देखना है। अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक करना है और अपने दोस्तों में शेयर करना है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लेना है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे यानी फर्स्ट चैप्टर मनोवैज्ञानिक गुणों में विभिन्नताएं, जो कि साइकोलॉजी का पहला चैप्टर है, उसका हम लोग पार्ट 2 को पढ़ेंगे। अगर आपने पार्ट 1 को नहीं देखा है तो आप देख लीजिएगा, हमने प्लेलिस्ट में डाल दिया है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को बिना किसी देरी किए हुए। तो आज हम लोग यानी जो कल का कुछ क्वेश्चन रह गया था उसको कवर करेंगे। तो यहाँ पर आपका प्रश्न नंबर यानी हम लोग 12th तक कर लिए थे, अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 13 को कवर करेंगे। क्या बोला जा रहा है क्वेश्चन नंबर 13 में? प्रासंगिक यानी प्रासंगिक या व्यवहारिक बुद्धि की व्याख्या करें। तो आपको यह बताया जा रहा है यानी पूछ रहा है प्रासंगिक या जो व्यवहारिक बुद्धि होता है उसको व्याख्या करने बोला है। तो यहाँ पर आपका उत्तर हो जाएगा, आंसर क्या हो जाएगा? प्रासंगिक बुद्धि स्टर्नबर्ग, एक साइकोलॉजिस्ट है स्टर्नबर्ग, के त्रितंत्र बुद्धि के सिद्धांत, यानी जो स्टर्नबर्ग है उन्होंने एक सिद्धांत दिया था, त्रितंत्र का सिद्धांत दिया था, उसका एक घटक है कौन? प्रासंगिक बुद्धि, जिसमें वर्तमान वातावरण के अनुकूल होना, यानी उसमें क्या बताया गया है? वर्तमान वातावरण के अनुकूल होना, मौजूदा वातावरण की तुलना में अधिक अनुकूल वातावरण का चयन करना, या आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए पर्यावरण को संशोधित करना। तो यहाँ पे प्रासंगिक जो व्यवहारिक बुद्धि है उसमें क्या बताया जा रहा है? जो वर्तमान वातावरण है, वर्तमान जो वातावरण के अनुकूल होना और जो मौजूदा वातावरण है उसकी तुलना में जो अधिक अनुकूल वातावरण होगा उसका चयन करना, या जो आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए और यानी जो हमारी नीड्स हैं उसकी पूर्ति करने के लिए पर्यावरण को क्या करना? संशोधित करना। चलिए अब देख लेंगे हम लोग अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 को। क्या है क्वेश्चन नंबर 14 में? बौद्धिक कार्य प्रणाली में एक साथ कर्मिक प्रसंस्करण क्या है? यानी आपको बताने हैं जो बौद्धिक कार्य प्रणाली है उसमें एक साथ और कर्मिक प्रसंस्करण है क्या? चलिए तो यहाँ पे आपका आंसर क्या हो जाएगा? चलिए देखते हैं हम लोग आंसर को करते हैं। ओके, उत्तर में क्या है? सूचना हमारी ज्ञान प्रणाली में एक साथ या कर्मिक रूप से एकीकृत होती है। यानी बताया जा रहा है आपको जो इन्फॉर्मेशन है जो हमारी ज्ञान प्रणाली में है वो एक साथ भी हो सकती है और कर्मिक रूप से भी हो सकती है। एक साथ प्रसंस्करण में विभिन्न अवधारणाओं के बीच संबंधों को समझने के लिए, ये क्या बोला जा रहा है? जो एक साथ प्रसंस्करण है उसमें जो विभिन्न अवधारणाएँ हैं उसके बीच के संबंध को समझने के लिए एक सार्थक प्रतिरूप में एकीकृत किया जाता है। एक किस में एकीकृत किया जाता है? एक सार्थक रूप में। उदाहरण के लिए देख लेते हैं हम लोग, रेवेन के प्रगतिशील जो मैट्रिसेस हैं उसमें सामान्य आकृतियों के बीच के अर्थ और संबंध को समझना। तो ये एक रेवेन है, एक वो भी साइकोलॉजिस्ट है, जो उनके प्रगतिशील जो मैट्रिसेस हैं उसमें जो सामान्य आकृतियों के बीच कुछ बीच का जो अर्थ है और उसका संबंध है उसको समझना। उसके बाद यहाँ पर हम लोगों ने एक साथ संस्करण देख लिया, अब हम लोग देखेंगे यानी कर्मिक प्रसंस्करण। कर्मिक प्रसंस्करण तब होता है जब आप सभी सूचनाओं को कर्मिक रूप से याद करते हैं, यानी जो भी इन्फॉर्मेशन है उसको आप किसे याद करते हैं? कर्मिक रूप से यानी क्रम में याद करते हैं, ताकि एक को याद करने से दूसरे को याद किया जा सके। अगर आप लाइन बाई लाइन याद करेंगे, क्रम बाई क्रम याद करेंगे, तो यानी जो एक से दूसरे को याद किया जाएगा। उसके बाद जैसे यहाँ पर देखें, अंक अक्षर गुणन सारणी सीखना कर्मिक प्रसंस्करण के उदाहरण हैं। तो ये सारे किसके उदाहरण हैं? अंक अक्षर और गुणन सारणी को सीखना, ये सारे कर्मिक प्रसंस्करण के उदाहरण हैं। अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 15 को। क्या है क्वेश्चन नंबर 15 में? देखिए आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, सी ए एस क्या है? यहाँ पे आपको क्वेश्चन पूछा है सी ए एस क्या है। सी ए एस का फुल फॉर्म यहाँ पे देख लीजिए आप, मतलब क्या होता है इसका मतलब मीनिंग? संज्ञात्मक मूल्यांकन प्रणाली। आपको बताया जा रहा है संज्ञात्मक यानी मूल्यांकन प्रणाली क्या है।
जो संज्ञात्मक मूल्यांकन प्रणाली CAS परीक्षणों की क्या है, एक बैटरी है जो 5 से 18 वर्ष की आयु के व्यक्तियों के लिए बुनियादी संज्ञात्मक यानी संज्ञानात्मक कार्यों को मापती है। तो जो ये है CAS है वो क्या मापती है, जो 5 वर्ष से 18 वर्ष के जो आयु के बीच व्यक्ति होते हैं जो उनकी बुनियादी संज्ञानात्मक कार्य है उनको मापती है। आकलन के परिणामों का उपयोग सीखने की समस्याओं वाले बच्चों के संज्ञानात्मक कमी को दूर करने के लिए किया जा सकता है। तो इस यानी जो CAS का प्रयोग है वो किसके लिए किया जा सकता है, यानी जो जो सीखने की जो समस्या वाले बच्चे हैं उसकी जो संज्ञानात्मक कमी है उसको दूर करने के लिए CAS का उपयोग किया जाता है। तो हम लोगों ने क्वेश्चन 15 भी देख लिया है। तो ये जितने भी सारे आपको क्वेश्चन कराए जाने ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो आप साथ साथ में नोट करते चलिएगा अपनी नोटबुक में। चलिए अब देख लेंगे हम लोग अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 में क्या है, बुद्धि लब्धि क्या है, यानी आपको क्वेश्चन पूछा जा रहा है क्या है बुद्धि लब्धि क्या है। बुद्धि लब्धि का मीनिंग मैं आपको बता दूं, यानी आपको पूछा जा रहा है आईक्यू को क्या बोला जाता है, बुद्धि लब्धि। तो देखेंगे हम लोग यहाँ पे क्या है बुद्धि लब्धि, बुद्धि लब्धि मानसिक आयु को संदर्भित करता है। तो जब हमारा जो आईक्यू है यानी आईक्यू क्या हो गया, इंटेलिजेंस क्वेश्चेंट, ये किसको संदर्भित करता है, मानसिक आयु को यानी मेंटल एज को संदर्भित करता है, जिसे कालानुक्रमिक आयु से विभाजित किया जाता है। जिसे किससे विभाजित किया जाता है, कालानुक्रमिक आयु से विभाजित किया जाता है। यानी कालानुक्रमिक आयु का मतलब हो जाता है यहाँ पे क्रोनोलॉजिकल एज से विभाजित किया जाता है, और उसे यानी 100 से गुना किया जाता है। मानसिक आयु यानी MA किसी व्यक्ति के अपने आयु वर्ग के लोगों यानी उसके जो आयु वर्ग के लोगों हैं उसके जो सापेक्ष बौद्धिक विकास का माप है। कालानुक्रमिक आयु यानी जो कालानुक्रमिक आयु मतलब यहाँ पे क्या हो गया CA का मतलब हो गया आपको क्रोनोलॉजिकल एज, जन्म से क्या है वो जैविक आयु है, यानी जो क्रोनिकल एज होता है वो जैविक आयु होता है, यानी जो जन्म से होता है उसका उम्र। और जो मेंटल यानी जो मेंटल आयु होता है यानी मेंटल एज होता है वो क्या होता है, किसी व्यक्ति के जो अपने आयु वर्ग के लोगों के जो सापेक्ष बौद्धिक विकास का माप है। चलिए तो हम लोगों ने यानी बुद्धि लब्धि देख लिया, IQ होता है क्या है। तो चलिए अब एक फार्मूले से हम लोग इसको क्लियर करेंगे। तो वो फार्मूला क्या है, यानी अगर IQ निकालना हो हमको तो क्या करेंगे, हम IQ बराबर क्या करेंगे, MA/CA, यानी MA है अपोन में यानी बटे में CA गुना 100 हो जाएगा। MA का मतलब यहाँ पे हो गया आपका मेंटल एज यानी मानसिक आयु, और CA का मतलब आपका यहाँ पे हो गया क्रोनोलॉजिकल एज यानी कालानुक्रमिक आयु, और यहाँ पे 100 से गुना करेंगे जितना निकलेगा उसकी वो IQ हो जाएगी। चलिए अब देख लेते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे। लोग यानी जो क्वेश्चन नंबर 17 में क्या बोला जा रहा है, लोगों को IQ के आधार पर वर्गीकृत करें, यानी आपको IQ के आधार पर लोगों को वर्गीकृत करना है। तो देखते हैं हम लोग आंसर को देखते हैं यहाँ पे। चलिए यहाँ पे क्या है उत्तर में आपका above 130, यानी जिसकी जो IQ होगी 130 से ज़्यादा होगी तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, वेरी सुपेरियर, और जिनकी आयु यानी सॉरी जिनकी जो IQ है वो 120 से 30 के बीच में होगी उसको हम लोग सुपेरियर बोलेंगे, और जो 110 से 119 के बीच में होगा उसको हाई एवरेज बोलेंगे, और जो 90 से 109 के बीच में होगा उसको एवरेज बोलेंगे, और जो 80 से 89 होगा उसको लो एवरेज बोलेंगे, और जो 70 से 79 के बीच में होगा उसको बॉर्डर लाइन बोलेंगे, और जो बिलो 70 होगा यानी 70 से कम होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, मेंटल चैलेंज या रिटार्डेड। तो आपको ये सारे याद रखने हैं, यानी जो बुद्धि के यानी जो IQ के आधार पर लोगों को इस प्रकार वर्गीकृत किया गया है, तो आपको ध्यान में रखने हैं कौन से यानी किसको क्या बोलते हैं हम लोग। तो हम लोगों ने क्वेश्चन 17 भी देख लिया है, ये सारे को आपको यानी कॉपी में यानी नोटबुक में उतार लेना है और आपको याद करना है, चलिए क्योंकि आपको MCQ में पूछ सकता है। चलिए अब अगला क्वेश्चन क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 18 को देखेंगे हम लोग। क्या है क्वेश्चन नंबर 18 में, सामान्य संभाव्यता वक्र क्या है। तो आपको बताने हैं जो नॉर्मल
प्रोबेबिलिटी कर्व है वो क्या होता है? सामान्य जो संभाव्यता वक्र एक घंटी के आकार का वक्र होता है, यानी वो बेल शेप्ड होता है, एक घंटी के आकार का वक्र होता है जो केंद्रीय मान माध्य के चारों ओर सममित है। जो कहाँ सममित है? माध्य के चारों ओर सममित है। उदाहरण के लिए IQ गणना के लिए आवृत्ति वितरण, यानी आपको एग्जांपल दिया है किसकी, जैसे जो IQ गणना करते हैं उसके लिए जो आवृत्ति वितरण होता है उसको हम लोग, यानी एग्जांपल से बताया गया है। उदाहरण के लिए जो आयु का यानी IQ का वितरण करते हैं, यानी गणना के लिए जो उसका वितरण करते हैं आवृत्ति का। चलिए अब देख लेंगे हम लोग अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। हम लोगों ने 18 कर लिया है। चलिए अगर आपको क्लास अच्छी लगी तो आप लाइक ज़रूर कीजिएगा, आप अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर कीजिएगा। चलिए और आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिएगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 को। चलिए आप ये सारा क्वेश्चन यानी जो आंसर है नोट करते चलिएगा, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर है सब। चलिए तो इस पार्ट में हम लोग यानी जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर है उसको करेंगे, और जो आखिरी पार्ट होगा यानी जो पार्ट थर्ड होगा उसमें हम लोग MCQ करेंगे, यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को करेंगे। तो आपको तीनों वीडियो को देखना है इस चैप्टर के, फिर हम लोग दूसरा चैप्टर कवर करेंगे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 19 को देख लेते हैं हम लोग। मानसिक मंदता को परिभाषित करें, यानी जो मानसिक रूप से जो मंद बच्चे होते हैं उसको परिभाषित करने बोला है। जो बच्चे बहुत ही सरल और कौशल सीखने या पर्यावरण के अनुकूल होने में अत्यधिक कठिनाई दिखाते हैं, यानी जो बच्चे बहुत ही क्या दिखाते हैं, अनुकूल या कौशल होने में बहुत ही वो कठिनाई दिखाते हैं, वे बौद्धिक कमी दिखाते हैं, यानी उनके अंदर बौद्धिक कमी होती है वो उसको कमी को दिखाता है। जो बच्चे कौशल सीखने या पर्यावरण के अनुकूल होने में अत्यधिक कठिनाई दिखाते हैं उन्हें मानसिक रूप से क्या कहा जाता है? विकलांग या मानसिक रूप से मंद कहा जाता है। जो बच्चे जिस बच्चे के पास कौशल नहीं होता है यानी जो अनुकूल होने में अत्यधिक कोशिश नहीं करते हैं उन बच्चों को क्या कहा जाता है? विकलांग या मानसिक रूप से मंद कहा जाता है। अमेरिकन यानी एक एसोसिएशन है, कौन? अमेरिकन एसोसिएशन ऑन मेंटल डिफिशियंसी ने मानसिक मंदता को महत्वपूर्ण रूप से उप औसत सामान्य बौद्धिक कार्य प्रणाली के रूप में परिभाषित किया है। जो एक एसोसिएशन है, कौन सा एसोसिएशन? अमेरिकन एसोसिएशन ऑन मेंटल डेफिशिएंसी ने ये जो मानसिक मंदता है उसको महत्वपूर्ण रूप से बौद्धिक कार्य प्रणाली के रूप में परिभाषित किया है, जो अनुकूली व्यवहार में कमी के साथ समवर्ती रूप से विद्यमान है और विकास अवधि के दौरान प्रकट होती है। अर्थात 0 से 18 वर्ष की आयु के बीच, यानी जो एक मानसिक जो मंदता होती है वो कल से, यानी जो 0 वर्ष से 18 वर्ष के बीच होती है, इसी एज के दौरान वो मानसिक मंदता यानी बच्चों में आती है। अगर कोई भी बच्चा मंद होता है तो इसी एज के दौरान होता है। अगर इस एज में उनके पास कौशल हो जाता है, वो अनुकूल होने में सीख जाता है, तो 18 वर्ष के बाद यानी उसको मंदबुद्धि नहीं होगा, वो मंदबुद्ध बच्चा नहीं होगा, वो अच्छा होगा। तो इसी एज के दौरान ये मंदबुद्धि बच्चे पैदा होते हैं, यानी इसी उम्र में होते हैं। चलिए अब देख लेते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 को। क्या है क्वेश्चन नंबर 20 में? बौद्धिक प्रतिभा क्या है? तो आपको बताने हैं बौद्धिक प्रतिभा है क्या। चलिए यहाँ पर आपका आंसर है, प्रतिभाशाली बच्चे अपने उत्कृष्ट क्षमताओं के कारण उच्च प्रदर्शन दिखाते हैं। यस, जिन बच्चे के पास प्रतिभा होती है वो अपने जो उनके अंदर जो क्षमता होती है, उत्कृष्ट क्षमता, उसके कारण वो क्या करते हैं? उच्च प्रदर्शन दिखाते हैं, अच्छा करते हैं। इन बच्चों का IQ 130 से ऊपर होता है। तो मैंने आपको बताया था जिसका IQ 130 से ऊपर होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे? वेरी सुपेरियर। चलिए तो इन बच्चों का आयु क्या होता है? 130 से ऊपर होता है, और वे बेहतर व्यावसायिक सफलता और जीवन समायोजन दिखाते हैं। और वो क्या दिखाते हैं जिनका 130 से ऊपर होता है? बेहतर व्यावसायिक सफलता और जीवन समायोजन दिखाते हैं। जो प्रतिभाशाली यानी प्रतिभाशाली व्यक्तियों के लक्षण हैं, यानी जो व्यक्ति प्रतिभाशाली होते हैं उनके क्या क्या लक्षण हैं तो हम लोग देखते हैं। पहला में क्या है? बौद्धिक श्रेष्ठता के शुरुआती संकेत क्या है? जो उनके अंदर क्या होगा, बौद्धिक जो श्रेष्ठता होगी उसकी जो शुरुआती संकेत क्या होगी? अधिक ध्यान अवधि। क्या होगा उसके जो
यानी जो प्रतिभाशाली व्यक्ति होगा उसका लक्षण क्या होगा, उसकी जो अवधि होगी ध्यान देने की वो अधिक होगी। चलिए वो यानी किसी चीज़ को वो ध्यान से गौर से सुनने की कोशिश करेगा। उसके बाद दूसरा क्या है यहाँ पे, नवीनता के लिए प्राथमिकता, यानी वो हमेशा नया सोचने की कोशिश करेगा, वो हमेशा नया करने की सोचेगा। चलिए अब देखेंगे हम लोग अगला में क्या है, अच्छी पहचान स्मृति, यानी जो उसकी स्मृति याददाश्त होगी वो क्या होगी, बहुत ही अच्छी होगी, वो किसी चीज़ को बहुत ही यानी पहचान के याद रख सकता है। उसके बाद यहाँ पे अगला क्या है, पर्यावरण परिवर्तन के प्रति संवेदनशीलता, यानी जो पर्यावरण में कैसे चेंज होगा उसके प्रति क्या होगा, वो संवेदनशीलता होगा। उसके बाद यहाँ पे क्या है, भाषा कौशल की प्रारंभिक उपस्थिति, यानी जो भाषा और जो कौशल होगा उसकी क्या करेगा, वो उसको प्रारंभिक उपस्थिति देगा वो। उसके बाद अब देख लेंगे हम लोग, यानी हम लोग का क्वेश्चन 20 भी हो चुका है, अब हम लोग अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 21 को देखेंगे, प्रतिभा और गुणवान के बीच अंतर। चलिए तो आपको यहाँ पे बताने हैं, यानी पूछा जा रहा है आपको जो प्रतिभा होता है और गुणवान होता है उसके बीच में अंतर क्या है। यहाँ पे गुणवान का जो मीनिंग होगा यहाँ पे क्या होता है, यानी गॉड गिफ्टेड, यानी गिफ्टेडनेस, यानी जो भगवान के द्वारा उसके अंदर पहले से ही दे दिया जाता है, उसके बीच में आपको अंतर बोले यानी बोलने के लिए बोल रहा है। तो यहाँ पे आपका आंसर क्या हो जाएगा, गुणवान और साधारण सामान्य क्षमता है। तो गुणवान क्या है, ये साधारण नहीं है, असाधारण है ये, असाधारण सामान्य क्षमता है जो विभिन्न प्रकार के क्षेत्रों में बेहतर प्रदर्शन में दिखाई जाती हैं, जो कौन से यानी जो विभिन्न प्रकार के जो क्षेत्र हैं प्रदर्शन के उसमें दिखाई जाते हैं। प्रतिभाशाली बच्चों में उच्च क्षमता, उच्च रचनात्मकता और उच्च प्रतिभा होती है। जो बच्चे प्रतिभाशाली होते हैं उसमें क्या होती है, उच्च क्षमता होती है, उच्च रचनात्मकता और जो उच्च प्रतिभा होती है, प्रतिबद्धता होती है। प्रतिभा एक विशिष्ट क्षेत्र जैसे आध्यात्मिक, सामाजिक, सौंदर्य आदि में उल्लेखनीय क्षमता को संदर्भित करती है। तो प्रतिभा जो होता है वो किसी विशिष्ट क्षेत्र में होगा, जैसे आपका आध्यात्मिक में होगा, सामाजिक होगा, सौंदर्य आदि में हो सकता है संदर्भित होता है। और जो अत्यधिक प्रतिभाशाली को विलक्षण कहा जाता है, यानी जो व्यक्ति क्या होगा अत्यधिक प्रतिभाशाली उसके अंदर होगा उसको हम लोग क्या बोला जाता है, विलक्षण कहा जाता है उसको। चलिए अब देख लेंगे हम लोग अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 22 में, क्वेश्चन नंबर 22 में क्या है, भावनात्मक बुद्धिमत्ता को परिभाषित करें। तो आपको बताना है यहाँ पे भावनात्मक बुद्धिमत्ता क्या होती है, उसको परिभाषित करने के लिए बोला है। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, जो भावनात्मक बुद्धिमत्ता अपनी और दूसरी की भावनाओं की निगरानी करने, यानी क्या बोला जाता है, भावनात्मक बुद्धिमत्ता में जो अपनी और दूसरी की भावना है उसकी निगरानी करने, देखभाल करने और जो उनके बीच भेदभाव है भेदभाव करने, उनके बीच भेदभाव कम करने और कार्यों का उपयोग करने की क्षमता है। क्या बोला जा रहा है, भावनात्मक बुद्धिमत्ता क्या है, दूसरे की भावनाओं की निगरानी करना और जो उनके बीच में जो भेदभाव है उसको कम करना और जो कार्यों का उपयोग करने की क्षमता है उनके अंदर उसको बढ़ाना। चलिए अब देख लेंगे हम अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23 क्या है, क्वेश्चन नंबर 23 में योग्यता को परिभाषित करने के लिए बोला है आपको। तो योग्यता किसे बोलते हैं, तो हम लोग इस क्वेश्चन के यानी जो आंसर के जरिए देखेंगे। चलिए योग्यता प्रशिक्षण के बाद, यानी योग्यता क्या है, प्रशिक्षण यानी ट्रेनिंग के बाद कुछ विशिष्ट ज्ञान या कौशल हासिल करने की एक व्यक्ति की क्षमता है। तो योग्यता क्या है, यानी प्रशिक्षण के बाद कुछ विशिष्ट ज्ञान या कौशल हासिल करने के लिए एक व्यक्ति की क्षमता है। उदाहरण के लिए उच्च यांत्रिक योग्यता वाला व्यक्ति एक सफल यांत्रिक इंजीनियर होगा, यानी जिन व्यक्ति के पास क्या होगा, उच्च यांत्रिक योग्यता होगा वो व्यक्ति एक सफल यांत्रिक इंजीनियर होगा। या चित्रकारी और ललित कला में अच्छा व्यक्ति एक अच्छा क्या होगा, पेशेवर कलाकार बन सकता है, यानी जिसके अंदर क्या होगी, योग्यता होगी वो कुछ भी बन सकता है। यानी अगर उसके अंदर योग्यता होगी क्या, उच्च यांत्रिक योग्यता, तो वो क्या करेगा, सफल यांत्रिक इंजीनियर बनेगा। अगर उसके अंदर योग्यता होगी चित्रकारी और ललित कला की, तो वो क्या बनेगा, एक अच्छा कलाकार बन पाएगा। या उच्च मौखिक क्षमता वाले, यानी जिसके अंदर क्या होगी, जो मौखिक क्षमता होगी, बोलने की क्षमता होगी, वो एक अच्छा क्या बनेगा, लेखक बन सकेगा।
तो यहाँ पे बताया जा रहा है, यानी योग्यता जिस चीज़ में आपकी उसकी योग्यता होगी वो इस क्षेत्र में बहुत ही अच्छा कर सकता है। चलिए अब देख लेते हैं हम अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24 जो कि हमारा आखिरी क्वेश्चन है। इसी के साथ जो हमारा सब्जेक्टिव वाला पोर्शन है वो ख़त्म हो जाएगा, फिर हम लोग यानी मल्टीपल च्वाइस क्वेश्चन को कवर करेंगे। तो आखिरी क्वेश्चन क्या है, रुचि को परिभाषित करें, यानी आपको इंटरेस्ट को परिभाषित करने के लिए बोला है। किसी विशेष गतिविधि के लिए रुचि एक प्राथमिकता है, यानी कोई सी भी अगर गतिविधि है उसके लिए रुचि क्या है, एक प्राथमिकता है। उदाहरण के लिए देख लेते हैं हम लोग, उदाहरण के लिए किसी व्यक्ति की गणित या विज्ञान में गहरी रुचि है, हो सकता है आप यानी जो कोई व्यक्ति होगा उसके गणित में अच्छी रुचि होगा या विज्ञान में गहरी रुचि होगा, तो इसलिए आपको बताया जा रहा है यहाँ पे जो किसी विशेष गतिविधि के लिए रुचि एक प्राथमिकता है, अगर आपको यानी उसके अंदर रुचि होगी तभी आप उसको कीजिएगा। तो रुचि क्या है, उसकी प्राथमिकता है, रुचि होगी तभी आप उस काम को कर पाइएगा। चलिए इसी के साथ जो हमारा यानी जो फर्स्ट चैप्टर का पार्ट वन और पार्ट सेकेंड कम्प्लीट हो गया है और हम लोग पार्ट थर्ड को कम्प्लीट करेंगे अगली क्लास में, उसमें हम लोग यानी जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होगा उसको कवर करेंगे। चलिए चलिए अगर आपको क्लास अच्छी लगी तो आप लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिएगा। अगर आप यानी जो नोट्स चाहते हैं तो आपको BBP हेल्प ऐप पर मिल जाएगा जो कि प्ले स्टोर में है, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ तक बने रहने के लिए आप सबका फिर से धन्यवाद, फिर मिलेंगे हम लोग अगली क्लास में। टिल देन बाय बाय, टाटा, सी यू ऑन द नेक्स्ट वीडियो।